तो बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चलिए सुनते हैं उनको। इतना ही कहा था कि अगर हमें कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेवार बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी और कोई एक मुंबई के रहने वाले, हम सबको तो नहीं पता है, देखे भी नहीं है, कोई जाहूर करके व्यक्ति, कि ये चार लोग जिम्मेवार होंगे। और जब मैंने इस मामले को देखा, उस सीडी को, वीडियो को, तब स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बातें आ सकती है, मामला साजिश बड़ा गंभीर है, षड्यंत्र है। और उस वीडियो को, चूंकि लड़की ने वीडियो बनाई और उसको वायरल भी किया, आप सब लोगों ने भी देखे होंगे उस समय। और हमने तुरंत उस समय के जो डीजी पुलिस थे महाराष्ट्र के, उनको हमने एक पत्र लिखा, और वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको भी हमने पत्र लिखा, क्योंकि मेरा नाम उसमें उल्लेख था। और उस पत्र में हमने ये लिखा कि हमें लगता है कि इसमें बड़ा गंभीर षड्यंत्र है, क्योंकि इसके मामले की जांच होनी चाहिए और लड़की की भी सुरक्षा की करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई लड़की, जैसे कि अनजान व्यक्ति का कोई नाम लेता हो, जिसे कोई भेंट नहीं, कोई परिचित नहीं, हमसे तो कोई परिचित नहीं था, निशिकांत दुबे से भी कोई परिचित नहीं था, हाँ सुनील तिवारी जी उनको जानते थे, और उसमें से और चौथा को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, उसका भी नाम आया, तो हमने कहा कि मामला बड़ा गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब हमने वहां के डीजी पुलिस को लिखा, वहां के पुलिस कमिश्नर को लिखा, और सुनील तिवारी जी को मैंने कहा कि भाई चूंकि आपका नाम आया है और मामला हाईकोर्ट में है, तो आप इंटरवेनर बन जाइए, नहीं तो कल होकर के लड़की की हत्या कहीं भी हो जाती है, तब तो फिर अनावश्यक रूप से आरोप लगेंगे हम सब लोगों के ऊपर, क्योंकि आपकी नाम आया है इसलिए अब इंटरवेनर वहां बन जाइए, ताकि मामला जांच होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। और इंटरवेनर बना और मामला अभी भी मुंबई अदालत में पड़ा हुआ है। उसके बाद जब काफी लंबा समय हो गया, मामला कुछ भी निष्पादन नहीं हो रहा है, तब हमने सुनील तिवारी जी से कहा कि भाई ये तो मामला और गंभीर है, अगर मामला लटका हुआ रहेगा हाईकोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना कि ताकि जल्दी मुंबई हाईकोर्ट को निर्देशित करे कि जांच हो जाए इस सब में। और फिर जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट गए और प्रस्तावित संभवतया तारीख भी 21 सप्ताह में आ जाने चाहिए। उस समय से लगातार सीएम के जो करीब के लोग जाकर के भी घर में या टेलीफोन से भी सुनील तिवारी जी को धमकी देते रहे कि अगर आप इस केस में पड़े रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं नाम इसलिए यहां नहीं बता रहा हूं कि जब उसकी जांच होगी तो मैं उन सारे नामों को बता दूंगा कि उनके घर में आकर के कौन, किसने क्या बोला है, उनके टेलीफोन से किसने क्या बात किया है, वो सारे चीजें उस समय बताई जाएगी। और उसके बाद किस प्रकार से आप सोचिए कि 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। सुनील तिवारी जी के घर कडरू में है, बगल में ही, उनके घर में एक बच्चे 9th क्लास में, एक बच्ची 6th क्लास में, भाई बहन वहीं रह करके पढ़ाई करते थे। कोरोना के कारण स्कूल बंद है, पिछले एक महीना से वो बच्ची अपने घर चले गई, अनगढ़ा में उनका घर है, घर में उनके पिताजी है, उनकी भाभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और 15 तारीख को अनगढ़ा पुलिस वहां से उन लोगों को उठा करके लाते हैं, और धुरवा थाना में 1 बजे रात तक एक 6 साल के बच्चे, एक 4 साल के बच्चे और उनकी माँ यानी उनकी भाभी, जो बच्ची पढ़ रहे हैं, जो बच्ची 6th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके भी 12-13 साल की उम्र, आप समझ सकते हो अगर ऐसे लोगों को इतना बजे रात तक कोई, एक तो टॉर्चर ही समझे, अगर हमारे रात के जैसे भी व्यक्ति को पुलिस थाना में बैठा करके रखेंगे तो बहुत लोगों का तो पैंट में गीला हो जाता है, डरते हैं भाई आप, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप सब लोगों को भी, ये लोगों को डर लगता है, वो भी 1 बजे रात तक।
दो बजे रात तक, और तीन बजे उन लोगों को फिर कहाँ ले गया, कहाँ की तरफ, उन लोगों को कोई भी पता नहीं कौन जगह पर, कोई हॉस्टल टाइप में है था, वहां फिर उन लोगों को रखा। और इसके बाद 16 तारीख को 4 बजे बाल कल्याण विभाग का जो रांची वहां ऑफिस है वहां इसको सूचना किया और वहां ला करके बच्ची को सुपुर्द किया, और इसको अब प्रेमा आश्रम कहां पर है वहां पर उन बच्ची को अभी भी रखा हुआ है, अभी बच्चे को जोड़ा नहीं है। 15 तारीख को शाम में हम लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की सीनियर एसपी से, डीजी से, ग्रामीण एसपी से, कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रहा था, यार मामला क्या है। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है टूल के रूप में। अगर कोई मामला हो बताओ भाई, कहीं से भी कोई नियम नहीं है, महिला को, छोटे बच्चे को आप रख करके आप, हमने तो आज तक यही सुना था कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधारगिरी में रखते हैं, लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले एक महीना से और घर से उनको उठा करके बाल सुधार गिरी में उसको रखता है, आप बताओ कि क्या मामला। आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है, कल बताएं कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और दो दिनों तक नहीं छोड़ना है। भाई क्या हो रहा है मजाक। और उसी में से जो दूसरी जिससे लोगों ने केस कराया, एक साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया, तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को या तो क्या कहते हैं राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है, अगर कोई बात तक नहीं करते हैं ठीक से तो उसकी जांच पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए या फिर हाई कोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए।